सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका मिगलानी है, मैं सेक्टर 21 सी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले 2 महीने पहले से मेरी आंखों में खुजली होती थी और मैं पानी के छींटे लगाती थी उसमें, और मेरा आंखों को मसलने का बहुत मन करता था। जब यहाँ पर जब चर्च में लिविंग वाटर सर्विस थी तो वहाँ से मुझे लिविंग वाटर मिला था, मैंने उसे अपनी आँखों में लगाया और उसको पिया और मेरी आँखों में उसके बाद से कोई खुजली नहीं होती। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मुझे 10 दिन पहले यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, तो लिविंग वाटर को मैंने अप्लाई किया प्राइवेट पार्ट्स में और उसको पिया और मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो गया, मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी। मेरी तीसरी गवाही ये है कि 16 जुलाई को ले हैंड प्रेयर हुई थी, तब पास्टर हरीश ने ले हैंड करते हुए ग्रेस रिलीज की थी और मैंने उसे रिसीव किया। और मैं काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, और प्रभु ने मुझे गैर भाषा में नए शब्द दिए और मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को ऊपर अपलिफ्ट किया। मैं अपनी इन सभी गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर हरीश का, पास्टर रति का, जो हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं और हमारे लिए ग्रेस रिलीज करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम अनीता है, ये बहन दिल्ली से आई हैं। इस बहन ने अपनी गवाही में बताया कि पिछले महीने इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और आंखें भी दर्द कर रही थी, तो ये बहन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हैं और अगले 15 दिन में सर्जरी करानी होगी। ये बहुत ज़्यादा डर गई। 2 जुलाई को ये बहन लिविंग वाटर सर्विस के लिए आई, पास्टर जी ने पानी दिया, इन्होंने अपने सर पे, आँखों पर और पिया उस पानी को, इन्होंने उस पानी को अपने सर पर और आँखों पर भी अप्लाई किया। पीने के बाद तुरंत ये बहन चंगी हो गई, डॉक्टर के पास से गई, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया कि मेरी दोनों आँखें ठीक हैं। और ये बहन इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती है। आप सबको जय मसीह की। सबके जय मसीह। और मेरा नाम दामनी है, बाटे चौक से आए थे। 6 महीने से यहाँ पर कलीसिया में जुड़ा था और उस संडे वार को आए थे। मेरी सारी शरीर ने घबराते थे, शैतान ने अटैक करता था कि तू कलीसिया पर से निकल जा, और मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर से मैंने भरोसा किया और कलीसिया से मैं निकल कर बाहर नहीं गया। जो मेरे सारे शरीर में बहुत दर्द था, बीमार था और ये मगज भी पिराता था और मेरा काम सारे शरीर भी तोड़ देता था। और फादर ने जी पानी में प्रार्थना कर दिया, पानी भी पिया और जहाँ जहाँ पर दर्द होता था सारे शरीर में लगाया। पानी पीते खान में मेरा परमेश्वर ने मेरे सारे शरीर के दर्द चले गए और चंगा भी हो गया। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। सबके जय। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नचौली से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे कई महीनों से सफ़ेद पानी की दिक्कत हो रही थी और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया पर लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिला। मैं 1 महीने से लगातार चर्च में आ रही। मैंने जिस दिन लिविंग वाटर मीटिंग हुई, मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। जब मुझे लिविंग वाटर मिला और परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि आप इसको अपने बीमारी वाली जगह पर लगाइए और पीरियड रिस्टार्ट हो, रसोलिया खत्म हो, गांठे खत्म हो, बहुत टाइम से जो वुंड बन चुका है, जो जखम बन चुका है, उस एरिया में आप अप्लाई करेंगे अगले हफ्ते। आज अप्लाई करेंगे, फोटो लेंगे, अगले हफ्ते सूखा हुआ उस हड्डियों की बीमारियां, उस हर बीमारियां, उस जखम सूखा हुआ गवाहियों के साथ आप आएंगे। और मैंने बड़े विश्वास के साथ, जिस पर परमेश्वर के वचनों के और उसके दास की भविष्यवाणी के विश्वास के साथ, मैंने उसको अपने बीमारी वाली जगह पर लगाई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास और दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनम है, मैं 92 से आती हूँ। मेरे सर में बहुत दिनों से दर्द थी और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला तुम्हारा बीपी हाई है। फिर मैंने 3 डॉक्टर से मैंने दवाई ली पर फिर ठीक नहीं हुआ। 16 जुलाई को जब मैं संडे को आई लैंड मीटिंग में, पास्टर जी ने
हम पे सर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गई। जब इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, दास दासियों को धन्यवाद करते हैं, सबको जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही ये है मेरे बेटे की, और इसकी आँखों पे दाने हो गए थे, दाने आँख पे। चर्च से प्रार्थना करे हुए पानी मिला था, मैंने विश्वास के साथ इसकी आँखों पे लगाया और जब से ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं रेवाड़ी से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं संडे को जब 8 तारीख को स्वीट मीटिंग में आ रही थी तो उससे पहले 3 दिन से मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था, और संडे को ही बेटी को जो जॉब मिली उसकी ट्रेनिंग पे उसे जाना था नोएडा, और पानी नहीं था बिल्कुल भी घर में। तो मुझे था कि मैं कैसे जाऊँगी, और मैं 29 जनवरी से यहाँ पर मैं चर्च में आ रही हूँ और कहीं भी पानी नहीं आ रहा था 3 दिन से, और मेरे बर्तन किचन में सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैं बेटी से बोल रही थी कि आज मैं कैसे जाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी चर्च में। तो बेटी ने बोला, बेटी सो रही थी, बेटी ने बोला कि आप हाथ मुंह धो के चले जाओ, पर आप चले जाओ। और मतलब पानी नहीं था, कि ये भी था कि बेटी को भी जाना है, मेरे पीछे से जाएगी, तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। और मैं ऐसे ही, मैं फिर बेटी तो सो रही थी, मैं ऐसे ही घुटनों पर बैठ के और मैं प्रार्थना करने लगी, मैं रोने लगी, हे प्रभु कि आज क्या आप अपने भवन में मुझे नहीं बुलाओगे। मैं 29 जनवरी से मैं हर संडे को जा रही हूँ मैं आपके भवन में, क्या इस बार मैं रह जाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। तो मैं बहुत रोई थी घुटनों पर प्रार्थना करते करते, बहुत रोई थी, और मैं ये बोलती कि हे प्रभु, जैसे आपने मूसा को गाइड किया, जैसे मूसा ने चट्टान से पानी निकाल दिया, जब इसराइली कह रहे थे मूसा से कि भई हमें पीने का पानी दे, तो आप भी कुछ ऐसा करो कि मुझे पानी दो, जो मैं पानी हो और मैं नहा करके मैं आपके भवन में आ जाऊँ, मैं यही बोल रही थी। फिर मैं उठ करके अपनी बालकनी में खड़ी हो गई कि शायद पड़ोसी में, मतलब पड़ोस में कोई भी दिख जाए और मैं किसी से एक बाल्टी पानी ले लूँ और मैं नहा करके कि प्रभु के भवन में चली जाऊं। और टाइम भी, जैसे कि मुझे यहाँ से 3 बस लगती हैं आने जाने में, 3 बस लेनी होती है रेवाड़ी से, और बस फिर यही था कि अब बस का टाइम भी निकलता जा रहा था, अगर मेरे को और थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, और बालकनी में ही एक नल, मतलब एक टूटी लगी हुई है बालकनी में, और जैसे मैं खड़ी तो कोई तो नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पर संडे था तो सब लेट उठते हैं। तो अंदर से आवाज़ आई, प्रभु ने मुझे बोला कि एक बार ये तू खोल के देख, और बाल्टी लगी थी। जैसे मैंने वो नल मैंने खोला, उसमें इतना तेज़ पानी आ रहा था, इतना तेज़ पानी आया और वो मतलब बाल्टी भर गई, बड़ी बाल्टी थी वो भर गई, और बेटी भी मेरी जग गई कि पानी कहाँ से आ रहा है। देखा एक बाल्टी भर गई, मैंने दूसरी बाल्टी भरी, दूसरी बाल्टी भी भर गई, और फिर तीसरी भी बाल्टी भर गई, 3 बाल्टी भर गई। मैं खुद भी नहा ली हूँ और मैं जल्दी तैयार हो गई, और फिर मैं उसके बाद बेटी को नोएडा जाना था ट्रेनिंग पे, और उसके बाद भी मैं 3 बाल्टी भर करके बेटी के लिए आई कि तू नहा करके चले जाना। और मैं ऐसे ही मैं फिर 8 तारीख की स्वीट मीटिंग में आई, और जब मैं यहाँ 8 तारीख की स्वीट मीटिंग में आई थी तो पास्टर जी ने घोषणा की थी कि कोई बहन है जो ये पूछ रहा है, ये परमेश्वर से पूछ रहे, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता क्या, कोई मेरे बारे में केयर नहीं करता कि हे परमेश्वर तू भी मेरे बारे में नहीं सोचता, कि मतलब कोई मेरी फिक्र नहीं करता। मैं आए होंगे ऐसे बहने, मेरे बारे में कोई ध्यान रखता है क्या, आपकी यही क्वेश्चन होता हमेशा, मेरे बारे में कोई ध्यान रखता है क्या, ऊपर वाला ध्यान रखता है क्या। आप ये क्वेश्चन पूछ के आया चर्च में, क्या कोई मुझे केयर करता है, मेरे बारे में कंसर्न रखता है। आज बहन मैं तेरे को कहना चाहता हूं, हेवन की पूरी अटेंशन तेरी ऊपर है, हेवन की पूरी अटेंशन तेरी ऊपर है, हेवन की पूरी अटेंशन, जीसस पापा का दोनों आंख तेरी ऊपर है, और ये वेक उसके टेस्टिमनी तेरे लाइफ में एंटर होंगे यीशु का सामर्थ्य। ये घोषणा की तो पास्टर जी ने कहा कि बहन तू चिंता मत कर कि सारा स्वर्ग तेरे मतलब तुझे देख रहा है, कि प्रभु यीशु की दोनों आंखें तेरे ऊपर लगी हुई हैं और तू इस
वीक तू बड़ी गवाही के साथ आएगी और ये घोषणा मैंने अपने लिए रिसीव की और इस वीक में मैंने अपनी बेटी के लिए जो बेटी को जॉब लगी तो उसको स्कूटी लेनी थी तो इस वीक में पास्टर जी की जो मैंने घोषणा रिसीव की मुझे प्रभु ने स्कूटी के साथ ब्लेस किया है। मैं इस गवाही के लिए इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर हरीश जी का, पास्टर रति जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमला है और मैं ऐसी नगर से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि 3 साल पहले मेरे घर में नल ख़राब हुआ था तो मैं जैसे पानी लेने जाती थी, जब जैसे नल ख़राब था मेरा तो मैं जैसे लोगों से पानी मांगने जाती थी तो कभी कभी 1-2 बाल्टी भर देते थे वो लोग, तो 3 साल मामूली बात नहीं होती। 3 साल तक मैंने कैसे पानी भरा मुझे पता। और जब पड़ोसियों के घर में जाती थी पानी मांगने तो हमें देखते थे पड़ोसी तो नल बंद कर लेते थे एकदम में। तो मेरे बच्चे कहते थे मम्मी हमें कपड़े धोने के लिए पानी ला दो, हमारे कपड़े धो देना, हम चर्च जा रहे हैं। मैंने कहा पानी है ही नहीं तो मैं कहाँ से कपड़े धोऊंगी। तो बच्चे कहते थे मम्मी फिर बताओ कैसे करूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो मेरे बच्चे ना ऐसे ही कपड़े पहन के गंदे गंदे आ जाते थे और मेरा बड़ा बेटा है वो अपने कपड़ों को, गंदे कपड़े को ना ऐसे तय करके आता था जैसे परेस करा हुआ है कपड़ा, फिर बेचारा वही पहन पहन के आता था कपड़े, गंदे गंदे कपड़े पहन के आता था। तो मेरी लड़कियाँ भी ऐसे ही आती थी, बिना नहाए धोए आती थी वो लोग। तो उसके बाद फिर मुझे भी रोना आता था देख के, तो मैंने फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, बच्चों के सामने रो ही नहीं। मैंने कहा पानी 1 बूंद नहीं है घर में, मैं कैसे ले धोऊंगी कपड़े। तो फिर मेरे बच्चे उसी कपड़ों को, गंदे कपड़ों को तय करते थे, उसको कभी तकिया के नीचे रखते थे, कभी बिस्तर के नीचे रखते थे कि लोगों को लगे कि धुला हुआ कपड़ा करके, कैसे पहन पहन के आते थे वो लोग। तो फिर उसके बाद बिना नहाए धोए से फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी जाके चर्च में नहा लेना। कह रहे ठीक है मम्मी चर्च में जाके नहा लेंगे। तो ऐसे ही मैं जैसे ड्यूटी से आती थी मैं देखती थी किसी का नल चल जाए, किसी का पानी आ जाए तो मैं मांगती थी। तो जैसे हम लोग चर्च में आते थे पानी नहीं होता था, तीन दिन तक मेरे घर में बर्तन पड़े रहते थे, बर्तन धुलते नहीं थे। फिर मैं यहाँ से जाती थी, फिर इंतज़ार करती थी किसी का नल चल जाए। तो जिस किसी का नल चलता था मैं जाती थी बाल्टी मांगने तो लोग मना कर देते कि नहीं जी मेरे घर में पानी नहीं है और हमारे मोटर है ना बिजली से चलती है कि उससे चलती है, ऐसे करके ताने मारते थे। फिर हम लोग क्या करते थे फिर देखते थे, फिर उनके मतलब गिड़गिड़ाते थे पानी के लिए कि हमारे 1 बाल्टी दे दो, 2 बाल्टी, फिर नहीं मांगूंगी 1 बाल्टी दे दो। फिर बड़ी मुश्किल थे बहन आप दे रहे हैं, आपकी बात नहीं दूंगी, हमारा बिजली से चलता है मोटर। मैंने चल ठीक है आपकी मत देना। तो मैं फिर गई, फिर मैं भर के लाई तो उसी से फिर बर्तन धोए, फिर भी बच्चे। फिर एक दिन मैं और ड्यूटी पे से आई देखा तो चर्च आना था बच्चों को, मैंने कह रहे तो हम लोग गए नहीं अभी चर्च में। तो मेरे बच्चे कह रहे मम्मी हाथ मुँह धोने के लिए पानी नहीं है। तो मैंने बता मैं कहाँ से लाऊं, मैं ड्यूटी पे जाती थी गंदे कपड़े पहन के, मैं तो उधर से 1 जोड़ी कपड़ा जैसे जो गंदे कपड़े पहन के जाती थी ड्यूटी पे वो कपड़ा मैं ड्यूटी पे धो के लाती थी 1-1 जोड़ी। मुझे लगता था आज चर्च जाऊंगी तो रात को गंदे कपड़े पहन के वो जाती थी, रात में किसी को पता नहीं चलता था गंदे कपड़े पहन के आए। तो मैं फिर कपड़े वो धोके से हॉस्पिटल में डालती थी, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर आते थे गंदे कपड़े पहन के आते थे, बिना नहाए धोए आते, पर उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। जैसे और बच्चे होते बोलते क्या जब कपड़े धुले होंगे जब ही जाएंगे मम्मी हम चर्च में, मेरे बच्चों ने कभी जिद नहीं करा कि मम्मी हम चर्च नहीं जा रहे, कि हमारे पास कपड़े है क्या नहीं है करके। फिर भी मेरे बच्चों ने सेवा नहीं छोड़ी, उन्होंने गंदे कपड़े में सेवा करी। क्या बताऊँ मैं इतनी परेशानी आई थी 3 साल से बहुत ज़्यादा, और जैसे घर में पानी नहीं होता था तो दिक्कत परेशानी पता है कैसे होती है करके, घर में पानी नहीं होता, एक दिन पानी ना आए तो कितनी परेशानी होती है घर में। तो हमें पता हमने कैसे 3 साल तक। फिर उस दिन बुधवार की सभा में भी ये गंदे कपड़े पहन के आए थे, वेदी पे खड़े थे गंदे कपड़े पहन के। फिर मैंने मुझे बहुत रोना आया जब बच्चों ने बोला मम्मी कपड़े नहीं है नहाना, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा।
फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मेरे बच्चे आए यहाँ पर चर्च में, तो फिर उसके बाद मैंने फिर दरवाजा बंद करा, लाइटें बंद करी, मैंने फिर रो रो के प्रार्थना करी परमेश्वर से, रो रो के प्रार्थना करी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे पानी चाहिए, तेरे भवन में बच्चे गंदे कपड़े पहन के जा रहे हैं और ये जो जिससे मैं पानी मांग रही हूँ वो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके भी मजाक उड़ाते हैं, जिसके भी पानी मांगने जाते हैं। तो मैंने इसी कारण मैंने रो रो के परमेश्वर से के आगे मैंने अपने सारा दुख रखा, मैंने परमेश्वर मुझे पानी चाहिए, जो नल सूखा पड़ा है इसमें पानी चाहिए। फिर मैंने पुलम्बर को बुला के दिखाया, पुलम्बर ने बोला, मोटर लगाया, पुलम्बर ने कह रहा इसमें लाइन में पानी नहीं है, और फिर नल का भी लगा के देखा, कह रहा इसमें पानी नहीं है, आपको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा जी, आपका ये बहुत पुराना नल है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद मैंने देखा, तो उसके बाद पुलम्बर आया, तो पुलम्बर से मैंने बोला भैया नया नल लेने के लिए कितने पैसा लगेंगे। उन्होंने बोला नया नल लेने के लिए आपको 25,000 रुपये लगेंगे, 15,000 रुपये मेरे लगेंगे जो लेबरों के साथ में, और बाकी का जो खर्चा है 10-20,000 रुपये का वो आपका अलग से जितना भी लगेगा पाइप का खर्चा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मुझे लिख के दे दो और जो जितना भी खर्चा मैं एक एक पैप ला के मैंने कहा रख लूँगी, मेरे पास इतने पैसा नहीं है और मैं एक एक पैप ला के छोड़ूंगी, ठीक है। तो मैंने लाके वो पर्चा रख लिया, मैंने कहा जैसे सैलरी मिलेगी वैसे एक एक पेप लाऊंगा। फिर मैंने दिखाया घर में, उसमें एक बूंद पानी नहीं था। फिर मैंने घर में जाके रोना शुरू कर दिया, मैंने परमेश्वर कैसी दिक्कत आ रही है, बिना पानी की इतनी परेशान हो रही हूँ मैं, और बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं, खुदावन प्रभु मेरी सुनेगा। मैंने कहा अपनी बेटी की तो गवाही सुनेगा प्रभु, प्रार्थना सुनेगा अपनी बेटी। फिर मैंने रो रो के प्रार्थना करी, मैंने बहुत रो रो के, मुझे उस दिन मुझे पता, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, मैंने परमेश्वर से कितना रो रो के मांगा। और कहते हैं ना परमेश्वर के आगे रो के जो भी मांगता अपने पिताजी से सब कुछ मिल जाता। तो मैंने फिर रो के मैं सो गई, फिर सोने के बाद मेरे अंदर से एक गवाही आई कि तो उठ किसी के घर से जा नल लेके और अपना नल चेक कर। तो मैंने उसी दिन उसी टाइम मैं जगी एकदम में, मैं घर पे गई किसी बहन के, मैंने बोला अपना नल दिखाना, मैं नल में चेक करूँगी पानी। कह रही बहन तू क्या अब नल में चेक करेगी, 3 साल से तो तेरे घर में पानी नहीं है, और कल ही तो तूने पुलम्बर को चेक कराया, तो वो पुलम्बर भी तेरा बोल गया कि पानी नहीं है इस लाइन में, तो बता अब क्या तुझे विश्वास नहीं है कि इसमें पानी नहीं, थोड़ा कर्जा पानी करके नया कनेक्शन ले ले, रोज रोज तुझे कौन पानी देगा। मैंने कहा तुम अपना नल का दे तो सही, मैं चेक करूँगी। तो मैंने वो नल लिया, मैंने चेक करा, तो वो लड़की भी मेरे साथ आई थी, कह रही मैं भी तो देखूँ, तो मैं इतना भरोसा अपने नल पर अपने खुदावन पर। मैंने कहा मेरे खुदावन ने मुझे अगुवाई दी है कि जाकर नल चला और देखो। तो लड़की मेरे साथ आई अपना नल का लेके, तो मैंने वो नल लगाया, फिर मैंने पानी चेक करा, तो बहुत तेज पानी आया। जो लड़की मेरे साथ आई थी वो भी ताजुब होगी देख के, कल ही तो पुलम्बर चेक करके गया था और वाकई में कल तो पानी कल तक नहीं था, 3 साल से आप कैसे एकदम में पानी आ गया। तो मैंने कहा मैंने परमेश्वर से मांगा था, मेरा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने फिर मैंने नल देखा, पानी आया, वो कह रहे आप तो आंटी सारा पानी भर लो। मैंने ठीक है, क्या देखना तुम्हारे नल में का सारा पानी आ रहा है कि नहीं। तो मैंने पानी देखा, सारा पानी भर लिया, मैंने बहुत कुछ पानी भर लिया, पूरा मेरा घर का पानी भर गया, पूरा मेरे बच्चों ने धुलाई उलाई कर ली घर का, निकिता ने पानी भरा फटाफट, फिर मैंने भरा फटाफट। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरी गवाही सुनी परमेश्वर ने, अपनी बेटी की गवाही सुनी। जैसे कि बाइबल में लिखा है तेरे जैसे अन्न और जल पे आशीष देगा, ऐसे ही प्रभु ने मेरे नल पे भी आशीष दिया और मेरे घर में भी आशीष दिया, और पानी की कोई कमी घटी नहीं है। और जो मेरे गली मोहल्ला में जो हंसते थे ना मेरे ऊपर, आज वो लोग ही देखते हैं कि वाकई में तेरा परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। आप सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी शर्मा है, मैं यहाँ फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, डबवा कॉलोनी की। और मेरी गवाही है मेरे इंक्रीमेंट की कि प्रभु ने मुझे इंक्रीमेंट के साथ ब्लेस किया है। पिछले हफ्ते 9 जुलाई को पास्टर जी ने भविष्यवाणी की कि जिनके इंक्रीमेंट रुके हुए हैं वो भविष्यवाणी को मैंने रिसीव किया कि जिनके इंक्रीमेंट रुके हैं वो उनको इंक्रीमेंट मिल रहे हैं। परमेश्वर के आदम स्पेसिफिकली आपका सैलरी बहुत टाइम से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, दशांश देने वाला व्यक्तियों के लिए प्रोफेटिकल वर्ड है, बीच में इस साल के बीच में आपके लिए इंक्रीमेंट कंपनी अरेंज किया जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। अगर आप दशांश में विश्वासी हो गए, परमेश्वर की आत्मा जब मैं प्रार्थना में था बोला कलिशा को कह दो आपका अनएक्सपेक्टेड सैलरी में इंक्रीमेंट आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से।
मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं जब मंडे को ऑफिस गई हूँ तो पता लगा अभी इंक्रीमेंट दे रहे हैं और मुझे मेरा इंक्रीमेंट मिल चुका है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु का और परमेश्वर के दास पास्टर हरीश और पास्टर प्रीति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें अपनी दुआओं में याद करते हैं और वो हमारे लिए भविष्यवाणी करते हैं और वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होती है। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। मेरा नाम इजाक है और मैं सेक्टर 85 से आता हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरा बीए का रिज़ल्ट आया था और मेरी बहुत इच्छा थी कि कॉन्वोकेशन मिले मुझको और कॉन्वोकेशन उन्हीं को मिलती है जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई हो। परमेश्वर के सामने मैंने बहुत प्रार्थना की थी कि मुझे कॉन्वोकेशन मिले और ताकि मेरे घर वालों को भी पता लगे कि मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और मेरे को कॉन्वोकेशन भी मिल जाएगी अगले साल तक। परमेश्वर के दास पास्टर हरीश जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो प्रोफेसी की थी हमारे लिए कि कोई भी बच्चा चर्च का फेल नहीं होगा, सबको परमेश्वर अच्छे मार्क्स से पास करने जा रहा है। इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर हरीश हमारे लिए जो भी प्रोफेसीज करते हैं हमें उन्हें रिसीव करना चाहिए और वो हमारी ज़िंदगी में काम करती है अगर हम उसे विश्वास के साथ रिसीव करें तो। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसके दास और दासी का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लिए प्रोफेसेस करते हैं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीतल और मैं 92 से आती हूँ। मैं इस चर्च से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरे घर में 1.5 महीने से बहुत टेंशन चल रही थी और इस वजह से मेरे सिर में बहुत दर्द होता था और मेरी नसें फटने को होती थी। इसलिए मैं MRI करवाना चाहती थी। MRI करवाने से पहले मैं 16 तारीख को चर्च में आई और ले हैंड हुआ। जब मेरा ले हैंड हुआ तो पास्टर जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्रभु ने मुझे ऐसे छुआ और उसी दिन से मेरा सिर दर्द दूर हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर हरीश जी और पास्टर रति जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।